गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 7 साइंस सेशन. सो वी आर एट टॉपिक वाटर मैनेजमेंट, पेज नंबर 199, 16.6. हमने वाटर मैनेजमेंट, एक्चुअली हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वाटर, उसमें हम लोग देख चुके थे कि वाटर के कंपोनेंट्स, मतलब वाटर के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. फिर हमने ग्राउंड वाटर डिस्कस किया था एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर वाटर. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. वॉट इज वाटर टेबल स्टूडेंट्स? द लेवल अबव द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल. वो कैसे कैसे अफेक्ट होती है या डिप्लीट होती है? वो होती है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देन इंडस्ट्रियल या इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, देन एग्रीकल्चर, एंड फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखा था. एंड नाउ वी आर एट टॉपिक वाटर मैनेजमेंट. सो हैव यू मस्ट हैव रेड इन क्लास 6, you have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system. When the civic authorities supply water through the pipe, not only at may reaches the destination. जो हमने 6th क्लास में वाटर चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक वाटर सिस्टम, स्पेसिफिक पाइप वाटर सिस्टम बनाया था, जिससे एक पाइप सिस्टम से मेन सोर्स से हर घर तक पानी जाता है. तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी. यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गॉशिंग आउट ऑफ द पाइप्स. हमने ये चीज़ देखी थी कि जो वाटर सप्लाई हुआ था उसके अंदर जो पाइप्स थे उसमें लीकेज हो गई थी या हो जाती है. यूजुअली हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं या हमारे जो मेन रोड है वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कभी कभी कि वहाँ पे पाइप टूट जाता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कंडीशन और मे बी बिकॉज ऑफ द पाइप, क्योंकि पाइप वीक हो जाता है उस वजह से भी कई बार पाइप में लीकेज होता है या फिर कोई जॉइंट्स में लीकेज होता है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पाइप टूट जाता है. तो उसकी वजह से काफ़ी लीकेज होता है और बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीशियस वाटर. ये गवर्नमेंट की या अथॉरिटी, जो भी सिविक अथॉरिटी है या गवर्नमेंट, जो भी जिसके अंडर भी ये सारी सिस्टम आ रहा है या पाइप सिस्टम वाटर सिस्टम आ रहा है, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रीशियस वाटर का वेस्टेज बंद कर दें या प्रिवेंट करें. मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मे टेक प्लेस एट लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो. मिसमैनेजमेंट, हम लोग वाटर का मिसमैनेजमेंट अपने लेवल तक भी करते हैं. मतलब हमने पूरा ग्लास भरा, थोड़ा सा पानी पिया, बाकी फेंक दिया इन द सेंस प्लांट्स में डाला. वो फेंकना नहीं हुआ, वो यूटिलाइजेशन हुआ, लेकिन हमने ऐसे ही फेंक दिया. या कभी कभी घर में टैप खुला छूट गया या टैप लीकेज है, ऐसी सिचुएशंस में हम लोग पर्सनली भी इंडिविजुअली भी पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ अस नोइंगली और अनोइंगली वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मेनी अदर एक्टिविटीज़. ऑब्वियसली जब हम लोग घर पे होते हैं तो ये हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमें जब ब्रश करते हैं तो हमें टैप से नहीं करना चाहिए, हमें मग में फिल करके करना चाहिए, या फिर शेविंग करते हैं तो वो ओपन टैप में नहीं करना चाहिए, या फिर हम लोग जब हम लोग बाथ ले रहे हैं, जो हम लोग नहा रहे हैं, तो शावर से ज़्यादा प्रेफर करें आप बकेट्स और मग यूज़ करें, उससे पानी काफ़ी कम वेस्ट होता है. और काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे जो कार वॉशिंग है तो वो सिर्फ एक गीले क्लॉथ से भी हो सकता है जबकि हम पाइप लगा के करते हैं. तो ये सारा मिसमैनेजमेंट है. लीकिंग टैप्स इन अदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्ट. वी वेस्ट वाटर एज थ्रो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम. आप लोग स्कूल्स में, अभी आप स्कूल में फिर से आएंगे तो आप ये चीज़ करेंगे कि लंच में टैप खुला छोड़ दिया या वॉशरूम्स में टैप खुला छोड़ दिया. दिस इज़ अ मिसमैनेजमेंट ऑफ और वेस्टेज ऑफ वाटर. हम इस तरीके का पानी यूज़ करते हैं जैसे जो लास्ट लाइन दी गई है, वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम. हम इस तरीके से पानी यूज़ करते हैं जैसे हमें तो कल यूज़ करना ही नहीं है, आज लास्ट डे हमारा पानी यूज़ करने का. बट दिस इज़ नॉट सो. वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे. हम ये चीज़ देखते हैं कि जितना भी पानी एज अ रेन वाटर या फिर जो भी बारिश में पानी आता है वो ऐसे ही बह जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ऐसे ही फ्लो हो जाता है. दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. हमारा एक ही, मतलब अगर बोला जाए नेचुरल रिसोर्स क्या है पानी के लिए, तो वो रेन वाटर ही है. रेन वाटर ही अल्टीमेटली सी में जाता है, ओशंस में, पॉन्ड्स में जाता है, और वहाँ से कहाँ सप्लाई आता है, हमारे
घर तक सप्लाई आता है, तो मेन सोर्स क्या हुआ, रेन वाटर हुआ। और हम इतने प्रीशियस रेन वाटर को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। द वेस्ट वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। जैसे कि हमने सिक्स क्लास में आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा होगा, तो जो रेन वाटर है अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम उसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के काम में ले सकते हैं। कैसे, जो पानी है, मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ कि जो पानी है हम या तो उसे सेव कर लें या फिर क्या करें, हम उसे ऐसी जगह पर पानी बहाएं जहाँ पे क्या हो, सीपेज एरिया ज़्यादा हो। उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा सीपेज एरिया होगा तो उतना ही ज़्यादा पानी ग्राउंड में जाएगा और ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होगी, या लेवल होगा जो वाटर टेबल का वो इंक्रीज होगा। दिस विल अल्टीमेटली इंक्रीज द ग्राउंड वाटर एंड अल्टीमेटली इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। नाउ द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, ठीक है। This is referred to as rainwater harvesting. What is rainwater harvesting, students? It is the usage of rainwater to recharge the groundwater is called rainwater harvesting. About which you have learned in class 6. हमने class 6 में भी same topic पढ़ा था. Find out if the building in your neighborhood have rainwater harvesting system installed. ये आपको पता करना है कि आपका जो एरिया है वहाँ पे rainwater harvesting system है या नहीं है। We have at many places in India an old age practice of water waste and water recharge like a bowries. अगर आपने सुना हो तो जो पुराना traditionally चला आ रहा है वो bowries चला आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि वो कलेक्ट करते हैं हम लोग रेन वाटर को, ठीक है। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। ट्रेडिशनल वे है, अंडरलाइन कर ले अगर क्वेश्चन में आता है, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल वे टू रिचार्ज वाटर और टू सेव द ग्राउंड वाटर, सेव द रेन वाटर, तो उसमें हम ये आंसर लिखेंगे। विद टाइम द बावरी फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टिंग पिलिंग इन पाइलिंग इन दीज रिजर्वर्स। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब तक हम लोग जब तक जो बूढ़े लोग थे, जब तक समझदार थे, उन्होंने क्या किया, इसे एज अ वाटर स्टोरेज या रिजर्वर की तरह काम में लिया। लेकिन धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो लोगों ने उसको एज अ गार्बेज डंप यार्ड जैसे बना दिया। हाउएवर बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज पीपल इन दीज एरियाज हैड टू रीथिंक। सेम एरियाज जहाँ पे जिन्होंने बावरीज को कन्वर्ट कर दिया था गार्बेज रिजर्वर या गार्बेज डंप यार्ड में, उन्होंने क्या किया, उनको जब पानी का शॉर्टेज हुआ तो उन्हें अल्टीमेटली ये चीज़ सोचनी पड़ी कि पानी को कैसे बचाया जाए। टुडे द सिचुएशन इज दैट इंस्पाइट ऑफ स्कैंटी रेनफॉल दीज प्लेसेज आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड्स वेल। जैसे ही उनको पानी की कमी लगने लगी, बारिश अगर कम आ रही हो तो भी इंस्पाइट ऑफ हैविंग स्कैंटी रेनफॉल, उन्होंने क्या किया, पानी सेव करना शुरू कर दिया। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन दिस इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली। जो फार्मर है, अब इस तरीके का नहीं है कि कोई फार्मर है तो वो अनलिमिटेड पानी यूज़ कर सकता है, उससे भी अगर वो थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करके इकोनॉमिकली पानी का यूज़ करे तो वो भी पानी सेव कर सकता है। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एक होता है कि आप पाइप लेके स्प्रे, मतलब पाइप लेके आप पानी पौधों को पानी दे रहे हैं या क्रॉप को पानी दे रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन ये है कि पानी जो क्या वो होती है, जो रूट्स होती है वो इतना जल्दी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब एक ड्रिप सिस्टम हम ये कर सकते हैं, ड्रिप इरीगेशन ये कर सकते हैं कि पाइप्स में हम लोग छेद कर दें और पानी बिल्कुल आराम आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लो हो, इसकी वजह से जो सैंड है वो क्लॉग ना हो, क्लॉगिंग उसमें ना हो, दूसरी चीज़ वेस्ट ना हो पानी। ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट। डायरेक्टली बहुत छोटा पाइप होगा और क्या होगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा ये पानी, ग्राउंड में या रूट्स में जाएगा, जो कि दैट विल बी वेरी यूजफुल। ओके स्टूडेंट्स, so today we'll stop here and in the next session we'll complete this chapter. Till then I hope you have understood the whole chapter till now.
and I'll be sending you a few notes and back exercise. Do it in your copy. We'll be checking your copy on 21st of December. And till then, have a nice day. Take care, students. Thank you.